दोस्तों यंग फार्मर मतलब नया एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं। हम हैं आज एक यंग फार्मर के पास, सतीश कावड़े इनका नाम है। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। 5 घंटे में इन्होंने शिमला मिर्च लगाई है, लंबी वाली शिमला मिर्च, उसको बेलगावी वैरायटी कुछ कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं आगे चल के। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं इन्होंने पूरा पैक किया है। ये क्यों पैक किया है, इसको कैसे किया है, इसमें खर्चा कितना आया, इसके क्या फ़ायदे हैं और इस जुगाड़ का क्या फ़ायदा है, इसके रिलेटेड थोड़ा सा हमने एक वीडियो बनाया था व्हाइट शेडनेट का जुगाड़, शेडनेट जुगाड़ कह के, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये थोड़ा अलग है, थोड़े एरिया से इन्होंने स्टार्ट किया है, आगे चल के बड़ा करने वाले हैं। तो नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज डिटेल में हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आपने ये जुगाड़ किया है ठीक है, इसके अंदर कौन सी शिमला मिर्च आपने लगाई है? इस वैरायटी का नाम बेलगांव पोपटी है और उसके अंदर मैंने 1,500 पौधे बिठाए है। एरिया कितना है? 5 घंटे का एरिया है। मतलब 5 घंटे में आपका एक्सपेरिमेंट ये चल रहा है? हाँ। पहला ही साल है आपका? हाँ, पहली बार किया है मैंने। पहली बार ही आपने किया है। तो ये आपने बेलगांव पोपटी, मतलब ये गर्मियों के दिन में क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये ठंडी में अच्छी आती है मैंने सुना है? हाँ। ये टेम्परेचर में, गर्मी में तो नहीं आती है, लेकिन मैंने ये जुगाड़ करके देखना है मुझे। मैंने क्या नया कुछ करके दिखते है, अच्छा, इसलिए मैंने ट्राई करके देखा है, देख रहा हूँ कि अभी आती है या नहीं आती है टेम्परेचर में। ये बात तो है दोस्तों। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जो शेडनेट के ऊपर ऐसे किया गया था, लेकिन ये कुछ मुझे अलग लगा क्योंकि आपने ग्रीन शेडनेट मारा इसके ऊपर। तो ये ग्रीन शेडनेट क्यों आपने यूज किया? क्योंकि हम पेड़ भी देखते हैं, पेड़ के पत्ते भी हरे होते हैं। इसका मतलब मैंने सोचा कि हरे रंग से छाव अच्छी पड़ सकती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं लग सकता उसको, जितना जरूरी है उतना ही मिलेगा। अच्छा। इस वजह से मैंने हरे रंग का डाला है। तो 50% वाला है ना ये? हाँ, 50% वाला। तो दोस्तों इन्होंने 50% वाला शेड नेट यूज किया है और साइड से ये आपने क्रॉप नेट का यूज किया ना? हाँ। जो आपके खरबूजा में यूज हुई? खरबूजा में था, खरबूजा की निकाल के आपने यहाँ पे यूज किया। साइड की धूप नहीं लगेगी इससे? नहीं लगेगी, मतलब जो टेम्परेचर भी होता है वो उससे ज्यादा नहीं लग सकता है ना। हाँ, अंदर पौधों के जो पत्ते होते हैं उस पत्तों को भी ज्यादा नहीं लगेगा ना। हाँ, जैसे कि ये जो बेलगावी है इसको टेम्परेचर क्या लगेगा, 18 से लेकर 32 तक ठीक है, 40, 38, 37 जाता है तो ये दिक्कत करता है, पौधा सूखने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने जुगाड़ किया है। और आपने 5 घंटे में 1,500 पौधे लगाए ना, और ये जो बेड मारे हैं आपने कितने बाय कितने मारे हैं? ये 5 फीट, दोनों बेड के बीच का अंतर 5 फीट है। अच्छा, 5 फीट है। और पौधे की पौधे दूरी? वो ड्रिपर जो 1.5 फुट में होते हैं। हाँ, 1.5 फुट में है। 1.5 फुट में। हाँ। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि हम खास आज बात कर रहे हैं जुगाड़ के बारे में। हाँ। तो ये जुगाड़ आपने कैसे बनाया, आप मतलब 5 घंटे के लिए आपने यहाँ पे कितना बास आपका यूज हुआ, कितना तार यूज हुआ और कितना शेडनेट यूज हुआ, ये डिटेल में बताइए थोड़ा। ये पूरे 5 घंटे में 10 बेड है। 10 बेड के हिसाब से मैंने एक लाइन को ज्यादा से ज्यादा कितने बास बिठाए, 1, 2, 4, 6, 8 बास लगे आपके पास? और 80 बास लगे हैं अभी, टोटल 80 बास यहाँ पे लगे हैं। और आपने एक कैंची क्यों बनाई है बास की? क्योंकि ये नेट जो बांधा है मैंने ऊपर से, अच्छा, उसको दिक्कत आती थी, वो जो हम बॉक्स करते तो बांधने नहीं आते थे, इसलिए कैंची। और इसका दूसरा उपयोग होता है कि वो ऊपर से जो पेड़ को बांधना पड़ता है वो, तो तार बीच में ही रह जाती है। हाँ। दोनों पेड़ के बीच में। अच्छा, मतलब दोनों डुअल फायदा। हाँ, हो जाता है। हाँ, उसी तार का पौधा भी बांधते हैं, पौधा भी बांध दिया, ये उसमें फायदा हो जाता। हाँ, है। और आपको इसमें टोटल शेड नेट कितना लगा? ये टोटल 6,000 का शेड नेट लगा हुआ है। हाँ, जो हरे रंग का है वो 6,000 का शेड नेट का कवर है। अच्छा, और क्रॉप नेट तो आपके पास खरबूजे की, खरबूज की रही थी। और उसके बाद इसमें तार कितनी लगी है? ये 10 किलो तार लगी है अभी। 10 किलो? हाँ। मतलब 10 किलो तार, 80 बास और 6,000 का शेड नेट, मतलब 10,000 के आसपास। हाँ, आपका बजट लगा है इसमें। और आपके ये शेड नेट जुगाड़ है आपने मतलब ऐसे लंबे में नहीं बांधा, और ऐसे क्यों बांधा है इस साइड से? क्योंकि ऐसे रह जाता तो जो हवा का झोंका आता है तो ऊपर उड़ जाता है। अच्छा। और ऐसे जो मैंने क्या बोलते है उसको, मतलब ये पूर्व से पश्चिम तक आपने बांधा है, तो बढ़िया है, आपने अच्छे से लंबे में खींच के बांधा। छाव अच्छी पड़ जाती है उसकी, और बीच में जो ये रह जाती है, क्या बोलते हैं उसको, सांस बीच में जांच रहती है, ज्यादा रहती है और रह नहीं सकती है,
उसको टाके लगाए हमने तार से, पूरा बांध दिया, पूरा बांध दिया है, मतलब धूप थोड़ा भी अंदर नहीं जाएगी, कहीं पे गैप है बस वहीं पे जाएगी और अन्यथा और कहीं से इसमें धूप नहीं जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का आपने मतलब किस दिमाग से सोचा कि ऐसा करके देखते हैं पांच ही घंटे में, ज्यादा क्यों नहीं किया? मैंने प्रयोग भी किया, वो सीधे लगा के भी किया और टेढ़ा लगा के भी किया और टेढ़ा वाला सक्सेस हो गया है अभी, ये वाला सक्सेस हो गया। जो सीधा वाला किया था वो तो हवा के झोंके से फट गया, इसके वजह से मैंने टेढ़ा करके देखा है अभी। चलिए, और एरिया बड़ा क्यों नहीं लिया जैसे आधा एकड़ एक एकड़? क्योंकि मैं अभी नए में खेती करने शुरू की है। अच्छा। इसके वजह से थोड़ा थोड़ा करके देख रहा हूँ कौन से सीजन में कौन सा अच्छा मार्केटिंग को आता है और मार्केट भी अच्छा मिलना चाहिए, इसके वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देख रहा हूँ। पहले टमाटर भी किया था, अभी खरबूज भी किया है थोड़ा, और इसके बाद अब मैंने ये डोबली मिर्च की है। अच्छा, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चल रहे, धीरे धीरे खेती बढ़ाने की सोच रहे। और ये जो पौधे हैं ये कितने दिन में हार्वेस्टिंग पे आते हैं? ये 50 दिन में आ जाते हैं हार्वेस्टिंग में, 50 दिन में। उसके बाद आप ये जुगाड़ रखेंगे कि निकालेंगे इसको? वो टेम्परेचर तो ज्यादा रहेगा और सेटिंग अच्छी हो रही होगी आगे भी। अच्छा, तो मैं रखूंगा उसको। फिर ये मान लीजिए अगर एक एकड़ एरिया हमारे कोई किसान भाई करना चाहता है तो उसको 40,000 खर्चा आएगा? 40,000 खर्चा आएगा। क्या फायदेमंद रह सकता है? हाँ, रह सकता है ना, अभी जो वो धूप में तो आ नहीं सकती है। नहीं। और उसका प्लॉट जो सक्सेस होगा तो उसका रुपए ही हो जाएंगे, मालामाल। हाँ, मालामाल ही हो जाएगा। ये बात तो है कि गर्मी में आप कोई भी फसल अपना मतलब अच्छे से लाते हैं अगर जुगाड़ कुछ यूज करके तो रेट अच्छा मिलता है। अब पॉली हाउस शेडेड हाउस की बात अलग है, उसमें तो बहुत खर्चा है। लेकिन ये तो रंटी जुगाड़ बोलते हैं उसका, देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ किया है हमने। नहीं, सही है ऐसा। हाँ। जुगाड़ कोई गलत नहीं है भैया। हाँ। देखिए कि बात क्या है कि एक 10 घंटे में आप पॉली हाउस में 9 लाख खर्चा करेंगे। हाँ, करेंगे। और ये 10 घंटे में 20,000 करेंगे। 20,000 कहा 9 लाख और कहा 20,000, तो ये बेहतर है। उसका उत्पन्न भी निकालना चाहिए वो ज्यादा। शेडनेट किया तो उसका जो खर्चा है वो निकालने में कितने दिन लग जाएंगे? 2 साल लगते हैं। 2 साल लगे। सीधी बात, मेरा पॉली हाउस था, 2 साल मुझे लगा। तो उसका जुगाड़ तो एक पीक में ही निकल जाता है ना। हाँ, ये बात। ये जुगाड़ किया तो एक ही जो आप निकालेंगे पीक, एक क्रॉप, उसको निकाल ही मुझे उसका खर्चा ही निकल जाएगा। बार बार यूज, बार बार यूज भी कर सकते है। बढ़िया। तो आपने कैची मारी, साइड सपोर्ट भी दिया इसको, तार से दोनों साइड से ठोका है, लंबे में बांधा और इधर से भी मैंने देखा है बांधा। हवा की झोंके से ऊपर नहीं उठ जाएगा, इसलिए उस साइड का जुगाड़ किया है, तार उधर से उस तरफ से डाल रही है, मतलब चारों तरफ तार से पूरा इसको पैक पंडाल कर दिया है ताकि हवा कितनी भी चले तो नहीं ऊपर नहीं उठेगा। वैसे भी हवा आएगी तो हवा पास हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी देख रहा हूँ हवा चल रही है लगभग घंटे में। फिर भी वो हवा के जो किसे ऊपर धपका लगता है ना तो ऊपर उठने की ज्यादा देर रहती है। नहीं, अभी जनरली हवा अपने यहाँ कितनी है, घंटे में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रफ्तार से, इतनी तेज हवा तो यहाँ पे नहीं चलेगी कि 10 किलोमीटर। लेकिन आगे के हिसाब से मैंने ये किया है। अच्छा, आगे ज्यादा जो आएगी हवा क्या झोंका जो ज्यादा आएगा, अच्छा, तब कुछ नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से पहले ही कर डाला है पूरा बंदोबस्त। नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये आपने मतलब ये जुगाड़, देसी जुगाड़ किया, और ऐसा करना चाहिए। जो भी हमारे नए किसान भाई आ रहे हैं आपके साथ, जो भी दोस्त भी है उनको भी बता दीजिए ऐसा करने के लिए, मैं भी बताऊंगा और सबको दिखा भी रहा हूं मैं। तो दोस्तों बहुत ही थैंक यू सर आपका। तो दोस्तों देखिए, आज हमने देखा कि यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट 5 घंटे में यहाँ पे किया गया है। दोस्तों 80 बांस है, 10 किलो तार है और कुछ शेडनेट है, इतना ही जुगाड़ है बस। इतना करने में क्या जाता है, इससे करने से कुछ अनुभव आ जाएगा। और आपको ये जुगाड़ कैसे लगा ये भी मुझे बताइए, और कुछ सजेशन हो वो भी कमेंट बताइए। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर पावर है। धन्यवाद।